हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो के तहत हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एसएससी जो है 2017 एसएससी सीजीएल टायर वन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है, और जो भी स्टूडेंट्स 16th एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं वो इसी डायरेक्शन में तैयारी करें। ओके, तो देखिए एसआई यूनिट्स पर काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ वर्क आपसे पूछा जा चुका है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ वर्क आपका जूल है, टेम्परेचर केल्विन, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल्स, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, करंट एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का डेसिबल, और एसआई यूनिट ऑफ हीट होता है आपका जूल। तो इन फ्यूचर जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर कोई भी एसआई यूनिट अब रह गया है, आप डेफिनेटली उसको कवर अप करके जाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एसआई यूनिट्स जितने भी अब रह गए हैं आपकी फिजिक्स की बुक में आपको ये मिलेंगे, आप उनको डेफिनेटली कवर अप करें। ओके, फर्स्ट पॉइंट। आगे देखो, केमिस्ट्री में ये पूछा गया था व्हाट इज कैट आयन, हाउ आर एनायंस फॉर्म्ड। ओके, अब आगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब आप समझ लेना। व्हाट इज कैटायन, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है, और एनायंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे गए हैं किसी पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेटेड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया था कि जो मिराज आप देखते हैं वो किस वजह से बनती है, जो मिराज बनती है वो बनती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। आपसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो फिनोमिना से पूछे गए हैं कि ये फिनोमिना क्यों हुआ, और ये पूछे गए हैं चैप्टर लाइट से संबंधित। इन फ्यूचर जो एग्जाम देने जाएंगे वो लाइट से संबंधित सभी फिनोमिनास करके जाएं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना फिजिक्स की बुक में कि आपने एक पेंसिल को पानी में इमर्स किया, वो टेढ़ी क्यों नजर आती है, या वो टूटी हुई नजर क्यों आती है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एक तो आपसे पूछा जा चुका है कि अगर कोई बॉडी है जो इमर्स्ड इन वाटर है तो वो हायर देन द एक्चुअल लेवल क्यों नजर आती है। जैसे ये देखो, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स इमर्स्ड इन वाटर अपीयर हायर देन दे एक्चुअली आर, ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इस तरह के जो फिनोमेना संबंधित है लाइट से, उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो रह गए हैं वो आप कवर अप करना। मिराज फॉर्मेशन के लिए कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ लाइट यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक इलेक्ट्रिकल मोटर में हम कौन सी एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये एक ऐसा रिएक्शन है, सॉरी दिस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन जो लाइट गिव ऑफ करेगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज गोइंग टू गिव ऑफ हीट। व्हाई इज द बेंडिंग ऑफ लाइट इन स्लिट, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। और जो बबल्स होते हैं वो एक स्फेरिकल शेप क्यों ले लेते हैं, जो बबल बुलबुले होते हैं वो गोलाकार क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स विच एग्जिस्ट एंड पुल्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्लोज टू ईच अदर, इसका कारण है सरफेस टेंशन। ओके, आगे देखते हैं। आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर, ये पूछा गया है कि कौन सा इसका सदस्य नहीं है। जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आपकी ओपेक वगैरह हैं, आप उनके सदस्यों को भी अच्छे से जान लेना, ठीक है। जैसे ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, और ब्रिक्स आपको अच्छे से पता है कि ये डेवलपिंग इकोनॉमीज की एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसमें लेटेस्ट एंट्री पाने वाली जो कंट्री थी वो आपकी साउथ अफ्रीका थी, दक्षिण अफ्रीका थी, ठीक है। ये हमारा ब्रिक्स के वो सभी मेंबर स्टेट्स हैं। अब आगे देखो, विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ सार्क, सार्क नेशन। सार्क क्या है, ये साउथ एशियन एसोसिएशन है फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है कौन उनके सदस्य है सारी मेमोराइज करनी है, नहीं ऐसा मत करना। जिसका इंडिया सदस्य है उसको आप मेमोराइज कर लेना, ठीक है। अब देखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, अब ये दक्षिण एशिया की जो कंट्रीज है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी इसके मेंबर स्टेट्स हैं। आगे देखो, काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर, हमारे राष्ट्रपति पर। हु कैन इनिशिएट एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ये कर सकते हैं अगर आप राष्ट्रपति को इम्पीच करना चाहते हैं तो। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अगर ऐसे आता है हु हैज द रियल पावर्स, तो प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर्स होती हैं। हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि
जो राज्यसभा है, लोकसभा है और प्रेसिडेंट है, वो मिलकर कहलाते हैं, तीनों पार्लियामेंट को बनाते हैं, उसका गठन करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो है ना, तो वो राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्लियामेंट? द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति भी आपके प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड उनकी पावर्स क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, उनका टेन्योर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन अभी आ सकते हैं, आप उनको लर्न करेंगे। आगे देखो, इंडिया से रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भारतीय राज्यों से संबंधित, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। मैक्सिमम वेस्ट लैंड कहाँ है? वो भी राजस्थान में है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन, मैक्सिमम की जगह यहाँ लॉन्गेस्ट होना था, वो किस राज्य की है? गुजरात की है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून पे है। इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर कौन से देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? पांच राज्यों के साथ। और ये जो पांच राज्य हैं, ये हैं यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और बिहार। वो कौन सा लैटिट्यूड है जो सिक्किम के अलावा, कौन सा लैटिट्यूड है जो कॉमनली सिक्किम और एक और राज्य से क्रॉस करता है? वो जो दूसरा राज्य है वो है आपका राजस्थान। इंडिया का वो नेबरिंग कंट्री बताइए जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण ड्रग सेंटर है, वो है आपका अफगानिस्तान, वहां पर ओपियम की खेती होती है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक क्या है? अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक जो है वो सैडल पीक है। ओके, अब देखो, एक तो आप इस तरह के क्वेश्चंस जरूर लर्न कर लेना जो लैटिट्यूड से संबंधित हैं। ये किस लैटिट्यूड की बात हो रही है? ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है, एक इस तरह से कंट्री क्वेश्चन आया था कि ड्रक यूल कौन सा कंट्री कहलाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक क्या है? सैडल पीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? तो फिर वो शेयर की जाती है आपके वेस्ट बंगाल के साथ। बॉर्डर्स से रिलेटेड हम जो अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं वो आप लर्न करेंगे, और स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद पूछा गया था कि राष्ट्रपति जो है, हालांकि ये क्वेश्चन भी राष्ट्रपति से ही संबंधित है, कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में नियुक्त करता है और कितने सदस्यों को राज्यसभा में नियुक्त करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे ये। लोकसभा में वो दो मेंबर्स नियुक्त करता है, नियुक्त तो मैं नहीं कहूंगी, नॉमिनेट किया जाता है। ओके, टू मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से है, और 12 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। और ये लोग जो होते हैं, इन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा नाम कमाया है। जैसे इसमें रेखा को नॉमिनेट किया गया था एक बार, सचिन तेंदुलकर जी को नॉमिनेट किया गया है। 12 पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। अब एज से रिलेटेड दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी हो? 35 साल हो। और मिनिमम एज गवर्नर बनने के लिए भी आपकी 35 साल हो। एमपी बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? एमएलए बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? इस तरह की चीजों पर आप ध्यान देंगे, इनको आगे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट मानकर लर्न करके जाएंगे। उसके बाद इमरजेंसी, देखो कितना प्रेडिक्टेबल पेपर आ रहा है। इमरजेंसी, तीनों प्रकार की इमरजेंसी, जो आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता जा चुका है, स्टेट इमरजेंसी पे पूछा जा चुका है, फाइनेंशियल इमरजेंसी पर भी पूछा जा चुका है। इन फ्यूचर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगाई गई है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगाई गई है। नेशनल इमरजेंसी 352 में है, स्टेट इमरजेंसी 356 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी इमरजेंसी है जिसके दौरान आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरीज में भी कटौती की जा सकती है, वो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। कौन सी, अगर नेशनल इमरजेंसी को आप एक्सटेंड कर, मैक्सिमम उसको कितने पीरियड तक लगा सकते हैं, एक्सटेंशन करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, इस तरह के और भी जो क्वेश्चन है इमरजेंसी से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप करेंगे। उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए आपके नोबेल प्राइज से संबंधित। एक तो नोबेल प्राइज और ऑस्कर अवार्ड्स, और साथ ही जो बुक से संबंधित आपके जैसे बुकर प्राइज वगैरह हैं, ये तीन इंटरनेशनल अवार्ड्स आप करिएगा। हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2016? ये मिला था प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया को, जिनका नाम है जुआन मैनुअल सैंटोस।
ओके। और ये इसलिए मिला था कि क्योंकि इनकी कंट्री में 50 सालों से गृह युद्ध चल रहा था, इन्होंने इसका समापन करवाया। हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 2016, ये बॉब डायलन को मिला है, ये एक अमेरिकन है। 2016 के लिए ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, ऐश्वर्या राय बच्चन को। और पद्मश्री फॉर कुकिंग 2017 किसको मिला, संजीव कपूर को। संजीव कपूर के अलावा तरला दलाल ये भी एक शेफ है, केवल यही दो ऐसे शेफ हैं जिनको की पद्मश्री मिला है। आगे चलते हैं, बुक्स पर काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऑलमोस्ट हर पेपर में बुक्स पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ देखो। और अधिकतर जो बुक्स पूछी गई हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ इंडियन राइटर्स, ठीक है। अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जिसको कि कोई बहुत महत्वपूर्ण प्राइज मिल गया है और इंटरनेशनल राइटर है, किसी दूसरी कंट्री का राइटर है, वो आप लर्न कर लेना, पर बहुत बारीकियों में मत जाना, ज्यादा फोकस करना इंडियन राइटर्स पर। राइटर ऑफ द बुक सिटीजन एंड सोसाइटी मोहम्मद हामिद अंसारी, माई स्टोरी बुक माइकल क्लार्क, सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड्स। ऑटोबायोग्राफीज पर विशेष ध्यान दिया जाए, ऑटोबायोग्राफी वो पुस्तकें होती हैं जो स्वयं व्यक्ति अपने बारे में लिखता है। ऑथर ऑफ नंबर्स डूलाई आकाश चोपड़ा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन को क्या कहा गया है, प्लेइंग इट माई वे, ये पुस्तक जो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय के द्वारा है। और उसके बाद द सिक्स मशीन I don't like cricket, I love it, ये पूरा नाम है। और इसको सिक्स मशीन क्यों कहा गया इस पुस्तक को, क्योंकि क्रिस ग्रेल जो इसके राइटर हैं वो जाने जाते हैं बहुत सारे सिक्स मारने के लिए। Who wrote रेखास बायोग्राफी, यासिर उस्मान। An Era of Darkness is a book by Shashi Tharoor. Who wrote Akbarnama, Abul Fazl. The World Outside My Window is written by Ruskin Bond. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो अब तक आ चुकी हैं। इन फ्यूचर आप इंडियन राइटर्स स्पेशली ऑटोबायोग्राफीज पर, स्पोर्ट्स प्लेयर्स की जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफीज हैं उनके ऊपर फोकस करें। यहाँ पर तीन क्वेश्चंस देखिए केमिस्ट्री से, ये मैंने आपके साथ आपके लिए एक साथ क्लब किए हैं। केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, NaCl। पोटेशियम सल्फेट कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में भी ये यूज होता है, फायर क्रैकर्स में भी यूज होता है, पर फर्टिलाइजर्स में इसकी मेन यूज है। सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा से। एक तो आप केमिकल नेम याद करना, ठीक है, आपको ऐसे भी दिया जा सकता था कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, आप केमिकल नेम याद करना, ओके। उनके सिंबल्स याद करना चाहें तो वो याद कर लेना, और कॉमनली उसको किस नाम से जाना जाता है वो भी आप याद करेंगे। उसके बाद हमारे कंट्री इंडिया के रिसेंटली किसके साथ क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए, ये करंट इवेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा था, ठीक है। देखो, रिसेंटली यूएस मेड विच कंट्री अ मेजर डिफेंस पार्टनर, इंडिया। विच कंट्री वॉज इन्वॉल्व्ड इन जल संरक्षण समझौता विद इंडिया, इसराइल। इसराइल एक ऐसा कंट्री है जहां बहुत कम बारिश होती है, लेकिन वो बहुत जबरदस्त तरीके से उस वाटर को यूज करते हैं, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है। तो जल संरक्षण समझौता किसके साथ हुआ था, इसराइल के साथ। इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए 2022 तक, ही किसके साथ किया है, यूएई के साथ। एक यूवरेन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के साथ स्टार्ट हुई है, मालदीव के साथ। फिर हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोबरा गोल्ड, ये थाईलैंड ने किसके साथ स्टार्ट की है, ये स्टार्ट की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। और वो कौन सी कंट्री है जिसने टीपीपी को जनवरी 2017 में एग्जिट किया, वो यूएसए है। इंडिया जिन संधियों में इन्वॉल्व था वो किसके साथ हुई, जैसे एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत हमारे देश के लोगों के जिनके जिन्होंने ब्लैक मनी देश से बाहर भेजा है उनके डिटेल्स हमें मिलेंगे, तो उसका आंसर था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड उसका आंसर था, जिसमें कि 2018 से हमें ये इन्फॉर्मेशन स्विट्जरलैंड प्रोवाइड करने लगेगा। तो इस तरह के काफी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ट्रीटीज से रिलेटेड। आगे है रिट्स पर क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन आए, एक तो कितनी रिट्स हैं हमारी, हमारी टोटल 5 रिट्स हैं, और पूछा गया था कि को वोरांटो क्या है। तो इन फ्यूचर आपसे जो बाकी की 4 रिट्स हैं, हीबिस कॉर्पस, सर शरारे, प्रोहिबिशन और मैंडमस, वो एग्जैक्टली क्या हैं आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है हीबिस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी, आपको पता होना चाहिए। प्रोहिबिशन मीन्स, मैंडमस मीन्स, जैसे को वोरांटो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। रिट्स के क्या मतलब है वो आप जरूर लर्न करें। व्हाट इट इज अ रिट व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट अ पर्सन्स राइट टू होल्ड अ पर्टिकुलर ऑफिस, इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी।
इन्वेंशंस पर काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। इन्वेंटर ऑफ लेजर प्रिंटर कौन है? गैरी स्टार्क वेदर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि आईवीएफ है उसकी वो किसने दिया है? वो दिया है रॉबर्ट जी एडवर्ड ने और पैट्रिक स्टेप होप ने। ये रॉबर्ट जी एडवर्ड ये यूनाइटेड किंगडम से है और इस चीज के लिए इन्होंने इतना जबरदस्त योगदान दिया इनफर्टिलिटी के लिए कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला। डायनामाइट की खोज किसने की? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अल्फ्रेड नोबेल ने, और इन्हीं के नाम पर फिर नोबेल प्राइजेस हैं। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? ये भी सिंपल क्वेश्चन था, टिम बर्नर्स-ली। पोलियो वैक्सीन किसने दिया? जॉन एडवर्ड सॉल्क ने, और इन्होंने इसको पेटेंट भी नहीं कराया था ताकि ये हर आदमी का को फायदा पहुंचा सके। फिर हमारा है जेसेरियस जैनसन, इन्होंने खोज की माइक्रोस्कोप की। टेलीविजन की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? फ्रोजन फूड की खोज किसने की? फिर सेफ्टी लैंप का इन्वेंशन किसने किया? और डनलप, जॉन डनलप ने किस चीज का इन्वेंशन किया? तो इन्होंने टायर का इन्वेंशन किया। देखो बहुत मुश्किल नहीं पूछे जा रहे हैं कि आपसे बिल्कुल ही बारीकियों में पूछ लिया जाए कि बताओ इसकी खोज किसने की। डायनामाइट वाला बहुत सिंपल है, वर्ल्ड वाइड वेब वाला बहुत सिंपल है, ये पोलियो वैक्सीन वाला बहुत सिंपल है। ओके, पोलियो वैक्सीन वाला तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि जॉन एडवर्ड सॉल्क ने इसको पेटेंट नहीं कराया था, इसलिए ये फिलैंथ्रोपी और ह्यूमैनिटेरियन वेज में सोचने के लिए वर्ल्ड फेमस हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो रह गए हैं थोड़े बहुत इन्वेंशंस, वो आप लर्न करके जाएंगे। अब उसके अलावा ज्योग्राफी में कहाँ लोकेटेड है ये, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे वेयर इज डंकन पैसेज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है, 49th पैरेलल किन दो देशों के बीच है। डंकन पैसेज इंडियन ओशन में है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है, 49th पैरेलल जो है ये बाउंड्री लाइन के रूप में काम करती है यूएसए और कैनेडा के बीच में। दो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं उनमें जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है एट द इक्वेटर, और दो लैटिट्यूड्स में भी जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। नॉर्थ वेस्टर्स क्या है? नॉर्थ वेस्टर्स ये तूफान है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। ओके, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये तूफान है, इनको हम काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा गया था डोलड्रम्स के बारे में, शायद वाटर डोलड्रम्स पूछा गया था, या मेरे ख्याल से वेयर आर द डोलड्रम्स ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब डोलड्रम्स कहाँ पर है? डोलड्रम्स जो है वो इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे है। यहाँ हवाएं बहुत मंद गति से बहती है, ये एक लो प्रेशर एरिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है हॉर्स लैटिट्यूड्स कहाँ हैं, आपसे पूछा जा सकता है सब ट्रॉपिकल जोन कहाँ है, फ्रिजिड जोन कहाँ है। ओके, जैसे यहाँ पूछा गया नॉर्वेस्टर्स क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है लू क्या है, हैरमिटन क्या है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है सिरोको क्या है, ये अलग अलग विंड्स के नाम है। विच विंड ब्लोज फ्रॉम सहारा डेजर्ट टू द मेडिटेरेनियन रीजन? सहारा डेजर्ट बहुत ही गर्म जगह है, 10 कंट्रीज में फैला हुआ है ये अफ्रीका में, तो यहाँ से जो विंड्स है जो मेडिटेरेनियन रीजन की ओर बहती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सिरोको कहलाती हैं। शहाद्रीज कहाँ लोकेटेड है? शहाद्रीज वेस्टर्न घाट्स का एक हिस्सा है। इंडिया में जो अलग अलग आपकी विंड्स हैं जैसे चेरी ब्लॉसम्स वगैरह हैं, आप उनके बारे में जरा जान लेना। ओके, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के टर्म्स जो है वो आप जान लें और कहाँ क्या लोकेटेड है। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स एंड व्हाट ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स ऑफ द प्लांट। ये जाइलम ही तो है, जाइलम है वो रूट्स से पानी लेकर प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में जाती है, और वो क्या है जो रूट से अलग अलग हिस्सों में पानी लेकर जाता है, वो जाइलम है। तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से घुमाकर एसएससी ने पूछा है और ये 2017 में ही पूछ लिया। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन? वो है आपका रेड ब्लड सेल्स, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। What do similar types of cells form? वो बनाते हैं एक टिश्यू, और टिश्यू इस बार ये पूछा जा सकता है What do similar types of tissues form? उसके बाद पूछा गया Which organ in the body is removed? Which organ in the body removes the extra water from blood to form urine? वो है हमारी किडनी। उसके बाद बीमारियों से संबंधित आपसे पूछा गया, इटाई इटाई एक बीमारी है जो किस वजह से होती है? कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से। पोलियो और चिकन पॉक्स किस वजह से होता है? एक वायरस की वजह से। विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मस्किटो? मलेरिया। कोलेरा की खोज किसने की? रॉबर्ट कुच ने। मिनामाटा डिजीज किस वजह से है? मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से, जब मछली जो है उसके शरीर में मर्क्यूरी चली जाए और फिर इंसान उसको खा ले। ये एक आइलैंड है जापान में मिनामाटा, वहां पर सबसे पहले ये बीमारी देखी गई, इसका नाम मिनामाटा ही पड़ गया। अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? डेंगू इज कॉज्ड बाय व्हिच मस्किटो? फीमेल एडीज मस्किटो। नेम द बैक्टीरिया व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड? ये है हमारा लैक्टोबैसिलस।
देखो फोकस करना वो वाली चीजों पर जो कि हमारे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है और कोई बीमारी हो रही है। अब ये जो है ये कैडमियम पॉइजनिंग की वजह, तो कैडमियम भी तो पानी में किसी तरह जा रहा होगा। अब ये मर्क्यूरी की पॉइजनिंग की वजह से है, अब मर्क्यूरी किस तरह से जा रही है, इस तरह की बीमारियों पर आप फोकस करें। ठीक है, तो बीमारियां किस मेटल या किस सब्सटेंस के कंजम्पशन की वजह से हो रही है, इस पर फोकस करें। ओके, आगे चलो। फुल फॉर्म्स आपसे पूछे गए हैं। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, आईएसडीएन का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। जो टेक्नोलॉजी से संबंधित फुल फॉर्म्स हैं उन पर आप फोकस करेंगे, ये आपका फोकस एरिया होगा। सीएडी क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। आरआरआर क्या है, ये रिड्यूस रीयूज रिसाइकल है, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है कि आप चीजों को कम इस्तेमाल करें, उसको दोबारा दोबारा इस्तेमाल करें। ओके, जैसे पेपर है पहले तो उसको कम इस्तेमाल करें ताकि पेड़ कम काटे जाएं, पेपर को फिर रिसाइकल के भी इस्तेमाल करें। तो आरआरआर आप बहुत चीजों के पीछे लिखा हुआ देखेंगे, ये रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, जब मैंने इसका वीडियो बनाया था तभी आपसे कहा था डीएनए का भी देख लेना और ये एक्चुअली आया। तो डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जेपीईजी का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स हैं वो आपका फोकस एरिया होना चाहिए। आगे देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया और साथ ही परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किसने इंट्रोड्यूस किया, इस पर आपके क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, जिस तरह से कि भारत में फादर ऑफ इंडियन प्रेस किसको कहा जाता है, फादर इंडिया में फादर ऑफ लोकल, फादर ऑफ पुलिस किसको कहा गया, या इंग्लिश एजुकेशन को भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया, इस तरह के क्वेश्चंस पर आप फोकस करेंगे। देखिए फिर सरकार की स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, जो मोदी सरकार बहुत सारी स्कीम्स चला रही है वो युवाओं के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ओके, जो हमारे गरीब हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन उनके लिए स्कीम्स चला रही है, जैसे ये वाली स्कीम देखिए, ये किसके लिए ये स्कीम है, ये स्कीम जो है ये एलपीजी कनेक्शंस देने के लिए है उन फैमिलीज को जो कि आपकी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। उसी प्रकार से रेलवे विकल्प स्कीम किसके लिए है, रेलवे विकल्प स्कीम जो है ये उन पैसेंजर्स के लिए है जो कि आपके वेटिंग लिस्ट में है और उन्होंने एक ऑर्डिनरी ट्रेन में टिकट करा रखी है, लेकिन अगर शताब्दी में और राजधानी में कोई सीट खाली रह जाती है उनकी डेस्टिनेशन के लिए तो उनको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। दीनदयाल स्कीम जो है ये किस स्टेट में इंप्लीमेंट हो रही है, ये मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रही है। इसमें सस्ता खाना, खाने की थाली उपलब्ध कराई जाती है बिलो द पॉवर्टी लाइन लोगों को। फिर लकी ग्राहक योजना क्या है, ये मोदी सरकार की स्कीम है कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए। बहुत सारा कुछ हुआ था डिमोनेटाइजेशन से संबंधित लास्ट ईयर। इसी प्रकार से एक और स्कीम है हमारी डिजी धन व्यापार योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें पूछा गया था कि जो 6,000 रुपीज सरकार फाइनेंशियल हेल्प दे रही है वो किनको दे रही थी, वो लैक्टेटिंग मदर्स को दे रही थी उनकी प्रेगनेंसी के बाद। ओके, और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इन लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप होता है वो महीने की कितनी तारीख को होता है, वो आपका 9th ऑफ एवरी मंथ को होता है। तो स्कीम्स से रिलेटेड बहुत डिटेल में और बारीकियों में तो जाकर नहीं पूछ रहे हैं, पर मोटा मोटा सा आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको मोटा मोटा सा आना चाहिए। ये कुछ एक स्कीम्स जो जिनके बारे में पूछा गया ये वो मैंने आपको अभी दिखाई हैं। आगे देखियो, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कौन से पार्ट में हैं। टोटल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं, ये आपके पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओरिजिनली ये 10 थी, उसके बाद इसमें एक और एड की गई। ध्यान रखना, इन फ्यूचर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज रेकमेंड की थी, उसने ये भी रेकमेंड किया था कि टैक्सेस पे करना भी आप एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाइए, पर उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी आपसे पूछा जा सकता है। फिर व्हाट इज पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 में हमारा क्या है, पार्ट 4 में है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से पार्ट में है, वो पार्ट 3 में है। फिर शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में है। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो किसमें है, वो हमारे 10th शेड्यूल में है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ा और देखना, ये कब आया था, ये 1985 में आया था। और ये किससे संबंधित है, ये उन लोगों से संबंधित है जो किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर, राष्ट्रपति पर, ये आपके फोकस एरियाज होने चाहिए इन पॉलिटी।
अब कुछ स्लोगन्स वगैरह भी आपसे पूछे गए। बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज के फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। डू और डाई का नारा किससे संबंधित था? ये क्विट इंडिया मूवमेंट से था। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेके रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। जो स्लोगन्स वगैरह आपसे पूछे गए हैं वेरी वेरी सिंपल पूछे गए हैं, जो आगे इन फ्यूचर एग्जाम देने वाले हैं वो स्लोगन्स पर जरा फोकस करें। स्पोर्ट्स और गेम्स पर आ जाते हैं। रोवर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल। कितने प्लेयर्स होते हैं एक वॉलीबॉल टीम में? छह। दो टीम्स खेलेंगी, छह छह प्लेयर्स होंगे। मिथाली राज किससे संबंधित हैं, किस गेम से? क्रिकेट। इस बार हमारी फीमेल क्रिकेटर्स पर काफी फोकस किया गया है और हमारी जो हरमन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, उनको 2017 के अर्जुन अवार्ड के लिए रेकमेंड किया गया है। ठीक है। हु इज द विनर ऑफ मेन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017? रॉजर फेडरर। उसके बाद है हु वन यूएस ओपन, हु वन यूएस ओपन मेंस फाइनल 2016? ये जीते हैं आपके स्टोन, इनका पूरा नाम आप देख लीजिए। हु वन ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस फाइनल? रॉजर फेडरर। टेनिस पर फोकस करना, टेनिस पर फोकस करना, टेनिस से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेन के पूछे जा चुके हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आपसे फीमेल्स के पूछे जाएं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस फाइनल कौन जीता था या फिर आपका यूएस ओपन विमेंस फाइनल कौन जीता था, इस तरह के क्वेश्चंस। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो कैसे पूछे गए, अकबर पर क्वेश्चन पूछे गए। अकबर इस बार एसएससी का फेवरेट रहा। देखो इनमें अनपढ़ राजा कौन था? अकबर था। राजा टोडरमल किस साम्राज्य से संबंधित है? मुगल साम्राज्य से संबंधित है और वो अकबर के नवरत्नों में से थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। हालांकि कुछ समय के लिए इन्होंने शेरशाह सूरी के साथ भी काम किया और जो पूरा रेवेन्यू सिस्टम था उसको इन्होंने रिवैम्प किया। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण इन बिहार में। वल्लभ भाई पटेल को किसके साथ जोड़ा गया? बरदौली सत्याग्रह के साथ। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। मॉडर्न इंडिया पर क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। फिर दो क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे गए कि जो सैफरन होती है, केसर होती है, वो पौधे के किस हिस्से से बनाई जाती है? फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होता है उससे केसर बनाई जाती है। अब आगे पूछा जा सकता है कि ये भारत के कौन से राज्य में होती है? ये केवल जे एंड के में होती है। वहां पर एक प्रकार का सॉइल होता है जिसको हम करेवा सॉइल बोलते हैं, KAREVA, और उसमें ये केसर बहुत अच्छी होती है। सिनेमन, सिनेमन आपके एक स्पाइस है, ये पौधे के कौन से प्लांट से लिया जाता है? ये लिया जाता है बार्क से। मैच द फॉलोइंग काफी आए हैं, एक तरफ आपके गेम्स वगैरह दिए गए और उससे रिलेटेड आपकी टर्म्स दी गई, एक तरफ आपके जो डिफरेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए वो दिए गए, उनके फाउंडर्स दिए गए, करेंसीज देश दिए गए, करेंसीज आपको दी गई कि आप जरा इनको मैच कर दीजिए, फीमेल प्लेयर्स के नाम दिए गए और उसके बाद कहा गया कि ये कौन से गेम्स एसोसिएटेड है आप उनको मैच कीजिए, तो मैचिंग भी आपकी काफी आई है। द वर्ड गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? चेस। करेंट इवेंट्स में सरकार की स्कीमों पर ध्यान कर देना, भारत सरकार की जो स्कीम्स आई हैं, साथ में भारत सरकार की किसी और कंट्री के साथ अगर कोई संधि हुई है तो उसके ऊपर ध्यान देना। और तीसरा स्पोर्ट्स पर ध्यान देना, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था सचिन तेंदुलकर के बारे में कि उन्होंने अपनी 100th सेंचुरी कहाँ बनाई थी, हालांकि करंट इवेंट से नहीं है, 2012 का क्वेश्चन है, पर पूछा गया था। गैम्बिट किससे एसोसिएटेड है? चेस से। साई परिणीत किससे एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से। अर्जुन अवार्ड एथलेटिक्स में 2016 के लिए किसको मिला? ललिता बब्बर को मिला। इनका नाम मैचिंग में भी आया था कि ये किस खेल से संबंधित है। ओके, दो बार इनके बारे में पूछा जा चुका है। ललिता बब्बर एशियन चैंपियन है, ये 3000 मीटर स्टिपल चेस में महाराष्ट्र से हमारी खिलाड़ी हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड स्विमिंग के लिए किसको दिया गया है? स्विमिंग 2016 के लिए ये दिया गया है एस प्रदीप कुमार को। द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं कोचेस को, अर्जुन अवार्ड मिलता है स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलीट को, और उसके कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके, आगे देखो दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है ये, और इनके जो कोच हैं मिस्टर नंदी, उनको भी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा चुका है। आगे देखो हु रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन द ईयर 2016 फॉर रेसलिंग? विनेश फोगाट। आप गीता फोगाट की कहानी तो देख ही चुके हैं, दंगल में विनेश फोगाट उन्हीं की सिस्टर है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि BHU के फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय है। गदर पार्टी के फाउंडर कौन है? सोहन सिंह बखाना। ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी आपकी दिसंबर 1600 में। और क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, होम रूल मूवमेंट की फाउंडेशन कब रखी गई, या फिर जो हमारा HSRA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, या फिर जो हमारी आजाद हिंद फौज थी, वो उनकी फाउंडेशन किससे संबंधित है और कब रखी गई, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेना।
फिर हमारे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ हिस्सा है, तो पूछा गया कि किस चीज का हिस्सा है। जैसे देखो, पूछा गया आपसे नेफ्रॉन्स जो है वो किस सिस्टम का हिस्सा है, वो किडनी का हिस्सा है। ये वाला जो है ये दे आर रिलेटेड टू विच बायोलॉजिकल सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हैं। ये हमारे एयर सैक्स होते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन है। और हमारे शरीर में रिब्स के कितने जोड़े हैं, 12 पेयर्स हैं। सिखिज्म पर एक ही पेपर में 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, ओके। एक ही दिन हुआ था ये पेपर, और मतलब तीनों शिफ्ट्स में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। सक्सेसर ऑफ गुरु हर गोबिंद, गुरु हर राय। खालसा ट्रेडिशन की शुरुआत किसने की, गुरु गोबिंद सिंह ने। नेबरिंग कंट्री हमारी वो कौन सी है जिसमें गुरुद्वारा पंजा साहेब है, वो पाकिस्तान में है। कहते हैं इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के हाथ का पंजा है, इसलिए इसको हम पंजा साहिब कह रहे हैं। सिखिज्म से संबंधित कौन सा गुरु किसके बाद आया, टोटल कितने गुरु हैं, और किस गुरु ने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, किसने अमृतसर की नींव रखी, किसने गुरुमुखी स्क्रिप्ट दी, किसने खालसा की शुरुआत की, वो तो हो गया। औरंगजेब ने किसको एग्जीक्यूट करवाया, इस तरह के क्वेश्चंस आप करके जाएंगे। किस गुरु को अकबर ने विजिट किया, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस आप करके जाना। आगे आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, एक तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी फुल फॉर्म्स आई। नेटस्केप नेविगेटर क्या है, ये वेब ब्राउजर है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन आईपी एड्रेस, 32 होती हैं। बग क्या है, बग जो है ये एरर इन अ प्रोग्राम है। उसके बाद दो क्वेश्चंस आए इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, की बताइए ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। व्हाट इज मेजर्ड बाय एन ऑडोमीटर, ऑडोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील्ड व्हीकल मापता है। पीएच, पीएच पूछा गया आपसे कि बताइए ब्लड का पीएच कितना होता है, स्लाइटली एसिडिक। मिल्क का पीएच कितना होता है, 6.5 to 6.7। जैसे जैसे खट्टा होता जाएगा वो एसिडिक की ओर जाएगा, ये फ्रेश मिल्क का पीएच पूछा गया है। और भी चीजों का पीएच आप थोड़ा जानकर जाएंगे, नींबू का जरूर देख लेना, क्योंकि नींबू काफी ज्यादा खट्टा होता है, उसमें एक्चुअली कितना पीएच है, तो कौन सी चीजें बेसिक है, कौन सी चीजें एसिडिक है, और क्या उनका पीएच है, ये आप पढ़ के जाना। अब मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। डांडिया इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, गुजरात। कोणार्क टेम्पल किसने बनवाया, नरसिम्हा वर्मन, वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। झूलता मीनार कहाँ है, ये गुजरात अहमदाबाद में है। फिर आपको बहुत सारे डांसर्स देकर, उनके साथ उनके नाम देकर वो कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी, इस तरह से आया। माधुरी दीक्षित कौन से डांस से एसोसिएटेड है, कौन सा डांस उनको आता है, कथक। हमें तो यही पता है बहुत अच्छा डांस करती हैं, पर कौन सा डांस है, वो फिल्मी डांस के अलावा कथक में वो ट्रेंड डांसर हैं। जलीकट्टू जो है, जलीकट्टू जिसमें कि आपकी बुल रेस होती है, ऑन ओकेजन ऑफ जलीकट्टू इसमें बुल्स इन्वॉल्व हैं, ये कौन से ओकेजन पर परफॉर्म किया जाता है, ये पोंगल में होता है और तमिलनाडु में होता है, और ये काफी न्यूज में था पीछे क्योंकि इसके ऊपर काफी विवाद था। हरी प्रसाद चौरसिया जो है वो क्या बजाते हैं, वो आपका फ्लूट बजाते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए आपके आर्ट एंड कल्चर से। मुझे उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपको हेल्प मिलेगी, आइडिया होगा कि इन फ्यूचर आप क्या तैयारी करके जाएं। एसएससी जो है वो एक ही लेवल रखना चाहती है सभी पेपर्स का, इसलिए डेफिनेटली वो बिल्कुल डिफरेंट और ऑपोजिट टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछेगी। जैसे वो पूछ रही है ऐसे ही पूछेगी, इससे रिलेटेड जो रह गया है वो आप करके जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप सारा फीडबैक हमें डेफिनेटली भेजें। कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ और चाहते हैं वो लिख दें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।